Hello everyone, good evenings to all of you. Hoping you all are safe and I'm also safe. And one motivated message to all of you, to all the CA community. My message to you, अगर आप सरचार्ज के 37 ब्रैकेट में आना चाहते हैं, if you want to come in 37 ब्रैकेट of surcharge, right? 37 ब्रैकेट of surcharge if you want to come, in this year, right? So you have to work hard. So dear, ये golden opportunities है, आपको काफ़ी time मिल रहा है examinations के लिए, और आप इसको पूरी तरह से इसे golden opportunities मान करके इसको convert करिए अपनी success के अंदर. बस ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप 37 के ब्रैकेट्स में आएँ और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी मिस मत करें, राइट? क्योंकि ये टाइम्स कभी कभी आता है. अपनी स्टडी को लीव मत करें, आप स्टडी को कंटिन्यू रखें. जितना भी पढ़ा जा रहा है आप उतना पढ़ें, जितना आपको लगता है कि मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ. आपकी जो चीज़ें छूट गई थी पहले टाइम में, आपने जो चीज़ें छोड़ी हैं आप उसको रिकवर करें. आपने अगर पास्ट में आरटीपी होती है इंस्टीट्यूट की, अगर वो नहीं करी है अभी तक तो उसको करें, अकॉर्डिंगली करें. जो भी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करें, ये मौका है आइडेंटिफाई करने का वीकनेस को, और वीकनेस पे वर्कआउट करने का, ये दिस इज़ अ टाइम, राइट? तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मत छोड़िए. ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है ये कभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वापस से टाइम जो चला जाता है वो वापस से नहीं आता, राइट? तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है. धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, थोड़ा सा काम रहें, सिचुएशंस धीरे धीरे सुधरती जाएंगी, आपकी भी अपनी प्रिपरेशन चलती जाएंगी, तो आपको एट द एंड मोमेंट पे कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के आप नर्वस नहीं रहेंगे, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा मैसेज है. अगर इस मैसेज को आप मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि अगर मैसेज को सही तरीके से लिया जाए, सही तरह से इसको फॉलो किया जाए, तो वो एक तरह से सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये मेरा शॉर्ट मैसेज है आप सभी के लिए. आप राइट नाउ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे. सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. सो थैंक्स अ लॉट.